हेडिंग्स उसकी बनाई गई थी, इल्स इम्पीडिंग हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इम्पैक्ट्स ऑफ इल्स ऑफ हायर एजुकेशन एंड हाउ टू रिजॉल्व दी इल्स टू इम्प्रूव हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, बस ठीक है, ओके, राइट। और उसके बाद उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है जिसके अंदर सब हेडिंग्स निकाली गई हैं। अच्छा, अब कहता है कि हमारा जो स्टेप है अब करने वाला क्या है, माइंड मैपिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग से मतलब ये है कि अब आप डिवाइड द पूल ऑफ आइडियाज एंड पॉइंट्स इनटू टॉपिक सेगमेंट्स। आपने अब वेरिएबल हेडिंग्स निकालनी है। पहले हमने जो है वो किया है, ये ऑलरेडी हम आइडियाज एंड पॉइंट्स जो है टॉपिक सेगमेंट्स यानी वेरिएबल हेडिंग्स जो ऑलरेडी हम प्राइमरी हेडिंग में तकसीम कर चुके हैं, माइंड हमने इसको किया ही इस तरीके से था। बात ये हो रही थी कि फिल्टर योर पॉइंट्स एंड सिलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट एंड द वंस ऑन विच यू कैन प्रोवाइड एविडेंस। एक्चुअल जो आपका मेन पॉइंट है जिस वजह से मैंने उस दिन ये काम रोक दिया था वो ये वाला पॉइंट था, और ये पॉइंट ऐसे राइटिंग के अंदर इंतहाई ज्यादा कीमती पॉइंट है, बहुत ज्यादा फोकस है इसके ऊपर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या। कहते हैं फिल्टर योर पॉइंट्स एंड सिलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट एंड द वंस ऑन विच यू कैन प्रोवाइड एविडेंस। एविडेंस यानी एग्जाम्पल्स, फैक्ट, स्टेटिस्टिक्स, कोटेशंस। आप लोग जो है वो ऑलरेडी पैराग्राफ स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ाए हुए हैं, और आपने पैराग्राफ स्ट्रक्चर के अंदर जो था वो ये चीज हमने स्टडी की थी कि सेंटेंस नंबर 3 तो हमारा जो है वो सपोर्टिंग पॉइंट है और सेंटेंस नंबर 4 जो है वो एविडेंस मांगता है। तो अब आपने ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जिनकी आप एविडेंस, जिनकी आपके पास कोई ना कोई प्रूफ किसी ना किसी तरह का आपके पास मौजूद है। अब स्टूडेंट्स, उस दिन मैं ये कह रहा था कि ये ड्यूटी है इस माइंड मैपिंग वाले मेथड की कि इसमें आपने जो पॉइंट्स जहां तक सिलेक्ट करने का ताल्लुक है वो सबके पॉइंट्स एक जैसे नहीं हो सकते। हम अगर इसको इंडिविजुअल बेसिस पे करें, अलग अलग करें, तो आप महसूस करेंगे कि ये वाले फॉर एग्जांपल पॉइंट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं अब सबके पास इसका सेम मटेरियल मौजूद नहीं है। मसलन अगर किसी के पास, फर्ज किया, नॉन यूनिफॉर्मिटी इन सिलेबस, किसी एक स्टूडेंट को लगता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, फिर किसी को लगता है कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड एजुकेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है, किसी को लगता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल वर्क या इनएडिक्वेट फंड्स टू ऑपरेट हायर एजुकेशन या डेप्थ ऑफ यूनिफॉर्म करिकुलम या आउटडेटेड कोर्स कंटेंट, तो हर शख्स का द यूज ऑफ क्रैमिंग, प्रमोशन ऑफ बिजनेस बट नॉट क्वालिटी एजुकेशन, तो हर शख्स की अलग अलग अपनी अपनी सिलेक्शन होगी। आप सबको सेम पॉइंट्स जो हैं वो आप नहीं रखेंगे अलग अलग। मैं उसकी मैं मिसाल आपको यूं दे देता हूं कि नॉन यूनिफॉर्मिटी इन सिलेबस, डू यू थिंक कि ये इंपॉर्टेंट। देखिए अभी हमने कितने पॉइंट्स लेने हैं, हेडिंग नंबर 2 हम कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स लेने हैं, 7। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 पॉइंट्स लेने हैं हमने। और डू यू थिंक नॉन यूनिफॉर्मिटी इन सिलेबस, कौन कौन सा पॉइंट आप लेंगे इसमें से, ये जरा देखिएगा कौन कौन सा लेंगे। हाँ जी, आपने 7 पॉइंट्स लेने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स लेने हैं। यहां से आप कोई से ती नहीं, एबीसी करके लिखेंगे, एबीसी करके लिखेंगे, एबीसी करके लिखेंगे, वो नहीं पॉइंट नहीं लिखना, एबीसीडी कर दें। यहां से आप 3 पॉइंट्स इकट्ठे इकट्ठे लिखो, जरा इकट्ठे लिखो, कौन कौन से, DGH, ABD, P, ABJ, H, DOP, DVF। V कहाँ से आ गया भाई, V तो यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा। 3 पॉइंट्स यहाँ से लेना,
ओके, बीसीजी कौन कौन से रेलिवेंट हैं? AKM, CFI, ABF, JKP, lack of critical thinking instruments, अवैस ने साथ के साथ ही सिलेक्ट कर लिए हैं। ओके, चलो आपने कुछ जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं, ABL, NPOG। अलम खान यहीं से आपने तीन चार ले लिए तो नीचे भी तो है ना पॉइंट्स, ये देखें ये और भी पॉइंट्स हैं। जी स्टूडेंट्स, अच्छा आपने फाइनल कर लिया। अब जरा मुझे ये बताएं कि आपके पास इन टॉपिक्स को, इन इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करने की रीजंस क्या थी? Why did you select these points? Most relevant because I have data plus evidence, personal experience, belief in these points, they're important, seeing situation, availability of evidence, good knowledge with reference, most relevant to the topic. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को ये वाले पॉइंट्स, इसी तरह से मैं आपको दूसरी हेडिंग दूं और उसके बाद आपको तीसरी हेडिंग दूं तो आप सबके पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज जो हमारी गौर से देखने वाली है वो ये है कि आप जिन पॉइंट्स को समझ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको यू थिंक यू कैन सब्सटेंशिएट योर एसे या योर पॉइंट्स बिकॉज ऑफ द एविडेंस यू हैव, बिकॉज ऑफ द डेटा यू हैव एंड ऑल दीज थिंग्स। नाउ माय पॉइंट इज कि इस सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग को देखते हुए हम एक क्लास के अंदर ये एक्टिविटी कर रहे हैं, देर आर अबाउट 100 स्टूडेंट्स हियर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 100 डिफरेंट एसेज वजूद में आएंगी इस प्रोसेस के जरिए?
सी द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। अब समझ आई? किसी एक शख्स की ऐसे दूसरे के ऐसे के साथ नहीं मिलती होगी, क्या कर प्रॉब्लम है ना कि जी लोगों का मटेरियल एक जैसा है। क्या रिपोर्ट्स आती हैं एग्जामिनर की कि क्रैम्ड मटेरियल है और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बुकिश नॉलेज है, लोगों ने एक तरह का मटेरियल प्रोड्यूस किया हुआ है। यहां पे इस मेथड के जरिए जो आपने आउटलाइन जो डेवलप करनी है, इट इज गोइंग टू बी ऑल डिफरेंट। एवरी आउटलाइन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। आप प्रोबेबिलिटी उठा के देख लें, इन 100 लोगों में से एक भी ऐसी आउटलाइन नहीं होगी जो सारे के सारे पॉइंट सेम हो। या दूसरा डिफरेंस ये आता है कि अगर आपके पॉइंट्स कहीं पे मिल भी जाएं आपस में, तो इवन देन आपका जो हर शख्स का उसको लिखने का स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। सब एक तरीके से तो नहीं लिखेंगे, एक ही इंफॉर्मेशन भी नहीं लिखेंगे, और अगर लिखेंगे भी वो वाली इंफॉर्मेशन तो सेम मेथड से नहीं लिखेंगे। सो दिस मीन्स दैट ऑल दीज एसेज आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल स्टेप, एंड दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग से माइंड मैपिंग पे जाएंगे, आपकी ऐसे ऑटोमेटिकली डिफ्रेंशिएट हो गई। अब आपको वैल्यू समझ आई इसकी? मेरे नजदीक ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ये वाला जो पॉइंट है इसका कि एक ही क्लास में पढ़ा रहे हैं हम। आमतौर पे क्या होता है, जब आप एक क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं, तो सबके आंसर एक जैसे आते हैं ना, सबके आंसर एक जैसे होते हैं। लेकिन यहां पे हमने एक ऐसा मेथड यूज किया है जिसके तहत प्रॉब्लम एक ही है लेकिन उसकी सोल्यूशन जो है, देयर आर 100 डिफरेंट सोल्यूशंस। So that is why it is a, this is the method जिसके अंदर critical thinking शामिल है और जिसके अंदर आपकी essay automatically, आपको मैं एक ही topic देता हूँ, 100 लोगों को इकट्ठा एक ही topic देता हूँ, brainstorming भी हम इकट्ठे करते हैं, लेकिन जब हम mind mapping पे आते हैं तो mind mapping में आपको मैं अकेला छोड़ देता हूँ। Do it yourself. And when you do it yourself, automatically we are creating 100 variations from the same material of the topic, 100 variations of the same thing. That is why I consider it highly valuable, this method, because isse aapka ek masla isne hal kar diya. Examiner kam se kam ye nahi keh sakta ki bhai isne cramming ki hai ya isne same material produce kiya hai, aapke upar kam se kam wo allegation nahi aa sakta. Maine aapko first lecture mein kaha tha ki my experience as an examiner is useful in this sense ki sabse pehle main apni teaching mein wo cheez cover karta hu jiski wajah se zyada tar log maine dekha hai fail hote hue ya mere apne haathon fail hote hain. Zyada tar kis reason se fail hote hain? Same puri essay jo hai wo utha ke ek ko dekh le, do ko dekh le, teen ko dekh le, sari ek jaisi essay. Aam taur pe ye wale jo is tarah ke topics hain जो कॉमन किस्म के टॉपिक्स हैं, उसपे सारी ऐसे एक जैसी होती है, तो कम से कम इन स्टूडेंट्स की ये चीज डिफरेंट होगी। एक प्रॉब्लम जो मैंने देखी फेल होते हुए लोगों को, आज भी ट्यूटोरियल हो रहा था, आई डिस्कस मोर देन 53 एसेज देयर। बहुत से लोग जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है या पहले पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनका पैराग्राफ स्ट्रक्चर ही नहीं थी, वो कहीं पर 3-3 सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आ रहा है, कहीं पर 9-10 वर्ड्स का सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पैरा आ रहा है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, और उस वजह से फेल हो रहे हैं कि स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है ऐसे जैसे। तो उस गलती से बचाने के लिए आपको पैराग्राफ स्ट्रक्चर दिया, आपको एक प्रॉपर मेथड दिया कि जिसके तहत आप कम से कम ये वाली गलती करने से फेल नहीं होंगे। सो आई एम गिविंग यू 8 बेसिक, सेविंग यू फ्रॉम 8 बेसिक पिटफॉल्स, जिसमें पैराग्राफ राइटिंग है, ये आउटलाइन राइटिंग के मेथड्स है, थीसिस स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, सो मेनी थिंग्स, कि आप कम से कम इस वजह से फेल ना हो स्टूडेंट, आपको कोई और वजह ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है? कम से कम इन वजहों से फेल नहीं होते। यू विल हैव टू फाइंड समथिंग न्यू फॉर योरसेल्फ।
आप इतने नहीं बनाएंगे फैसले आप। आई नो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन कि ये तो हमने इकट्ठे मिलकर बनाया था, लेकिन अकेले हम जो है वो इतनी ज्यादा हेडिंग सब हेडिंग तो नहीं निकाल सकेंगे। तो अकेले तो इतनी ज्यादा निकालनी भी नहीं है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि जी 14 चाहिए तो 14 की 14 ही करें। आप 20 तो निकालेंगे ना, 25 तो निकालेंगे ना। इस वक्त तो हमने को अबाउट 56 58 हेडिंग्स निकाली हुई है। आप आधी कर लें, थोड़ी कर लें, 20 25 तो निकाल सकते हैं कि नहीं, फैसल है आप कि वो भी नहीं। तो कम से कम उतने पॉइंट्स तो निकाले ना। अब आज काफी सारी ऐसे पकड़ी गई जो आउटलाइन जितनी उसने बस सोचनी शुरू की, और 1 2 3 4 10 12 पॉइंट्स सोच के तो उसने कहा बस चलो जी ऐसे जो मटेरियल हो गया ठीक है। ये तो मतलब, और वो फौरन पकड़ी जाती है आउटलाइन कि इसके पीछे कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई प्लानिंग है ना कोई और चीज। आगे चलते हैं। अच्छा, तो फिर आपने करामत अली अगर मर्जी करनी थी तो वो सेपरेट क्यों, सेपरेट सब हेडिंग अलग क्यों नहीं है? क्यों नहीं सर? एज सोर्सेस फॉर रेफरेंसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर द सेम, वुड यू नॉट दे फेवर द सेम पॉइंट टू डिस्कस एज दे हैव टू प्रोवाइड रेफरेंसेस? यस जुनेद, होंगे। मतलब एक टॉपिक के ऊपर 2000 बंदा लिख रहा है, 3000 लोगों ने उस टॉपिक को लिया हुआ है, तो जाहिर है उनके रेफरेंसेस एक जैसे होंगे, डेटा भी एक जैसा होगा, लेकिन डेटा की प्रेजेंटेशन जो है उनकी वो तो डिफरेंट होगी ना। जिस जो उसकी आर्गुमेंट जिसके लिए वो करेंगे वो तो डिफरेंट होगा ना, क्या ख्याल है? सो डेटा सेम होता है, हमें पता है, जाहिर है कितना डेटा सबके पास सेम ही होगा ऑलमोस्ट, लेकिन कम से कम उसकी तरतीब तो डिफरेंट है ना, सबकी एक जैसी तो नहीं ना, जैसे क्रैमिंग वाली एसेज होती है। जुनेद, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ओके, लेट्स गो बैक टू द डॉक्यूमेंट। और जुनेद जो आप तो दे दो यार। माइंड मैपिंग चिनाची आप करेंगे दोनों, तीनों आउटलाइंस के ऊपर, तीनों हेडिंग्स के ऊपर। अच्छा जी, अब ये हमने करने के बाद क्या किया कि हमारे पास स्टेप नंबर किधर गया है, ये 3 माइंड मैपिंग हम इस वक्त ये कर रहे थे। इसके बाद आ गया थीसिस स्टेटमेंट राइटिंग, ये हम बाद में करते हैं, लॉजिकल सीक्वेंसिंग भी बाद में होगी, और अब हम करेंगे आउटलाइन राइटिंग। लेट्स डू दी आउटलाइन राइटिंग। चलें आउटलाइन लिखते हैं। अच्छा, जब भी आउटलाइन लिखनी है तो सबसे ऊपर आपने उसकी हेडिंग देनी होती है, इसलिए कि एग्जामिनर ने कहा था कि पहले आउटलाइन लिखें और उसके बाद अपनी एसे लिखें। हमारी असर अभी मैं अब आउटलाइन के बनाता हूँ ना आपको, तो सब हेडिंग्स हमारे आउटलाइन में कह रहे हो कि ऐसे लिखने में कह रहे हो, दो चीजें हैं ना अलग अलग। इन आउटलाइन जाहिर है नंबरिंग तो लिखनी है, ये देखो ना आप, मैं करने लगा हूं आपके सामने आउटलाइन। सबसे ऊपर जो है वो हमेशा टॉपिक लिखा जाता है, और टॉपिक हमारा क्या है, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्स एंड रेमेडीज। अब फाइल सेव कर लूं।
हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्स एंड रेमेडीज टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद उसके नीचे आउटलाइन की हेडिंग देनी है। सबसे पहला काम होता है आपका नंबर वन हमेशा इंट्रोडक्शन होता है। ये पैराग्राफ सबसे, ये आप आउटलाइन लिखने का मेथड आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के नीचे हेडिंग देते हैं थीसिस स्टेटमेंट की, और इसको नंबर नहीं दिया जाता। इंट्रोडक्शन आपने ऊपर हेडिंग दी है, इसके नीचे थीसिस स्टेटमेंट, और थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी होती है। उसके बाद नंबर टू जो है वो हमेशा ओवरव्यू पैराग्राफ आता है, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि टॉपिक मिला हुआ है तो हमारे पास ओवरव्यू पैराग्राफ भी, हम क्या बनाएंगे, ओवरव्यू होता है कि आपने सिर्फ टॉपिक को इंटरप्रेट करना है कि ये है क्या। जी वालेकुम सलाम। जी खैरियत, मैं इस वक्त क्लास में हूँ, जरा मैं 9 बजे के बाद फारिग हूँगा। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओवरव्यू पैराग्राफ, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्स एंड रेमेडीज, हमारा ओवरव्यू पैराग्राफ क्या बनेगा। स्टूडेंट्स मेरे, आपने एक सवाल का जवाब देना है, व्हाई आर वी राइटिंग दिस एसे। ये क्वेश्चन मैं आप आम अक्सर आपसे पूछा करूंगा। हम कर चुके हैं इसको, नहीं? अवैस तुम कहां से आए हो भाई, तुमको अंदर के बंदे लग रहे हो। टू गिव दिस सजेशन फॉर हायर एजुकेशन, नहीं तो दक्का, ये कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो नहीं ना बन रही। गिव एनालिसिस ऑफ इल्स एंड रेमेडीज ऑफ हायर एजुकेशन, नहीं क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा, एनालिसिस देने से क्या होगा फवाद आलम। कहीं और, व्हाई इज द प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट, ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, ओवरव्यू का मतलब, पैराग्राफ का मतलब होता है व्हाई इज द इश्यू इंपॉर्टेंट, ये बताओ इसका एक्चुअल मतलब, ये होता है व्हाई इज द इश्यू इंपॉर्टेंट। अब बताओ हायर एजुकेशन स्टेटस वो क्या, व्हाई इज द इश्यू इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन, व्हाट इज इल्स एंड हाउ सो, नहीं अदिला ये तो कोई रीजन नहीं, व्हाई इज द इश्यू इंपॉर्टेंट। हाँ इट इज ऑलरेडी इल मरियम सैन, नाउ यू आर बेटर, ये आपने कंसेप्चुलाइज करना होता है ना। हाँ वैसे सोम लोग वहां से, ठीक है समझ आ गई मुझे, जनरेशन एंड कंट्री इम्पैक्टिंग आवर सोसाइटी, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग, यस काशिफ खान, इम्पोर्टेंट बिकॉज फ्यूचर ऑफ आर्ट डिपेंड्स ऑन दिस, इट्स नेशनल प्रॉब्लम, हायर एजुकेशन प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। चलो इसको हम फ्रेज इस तरह से कर लेते हैं, नहीं कुछ और चक्कर है ना, ये हाउ हायर एजुकेशन हैज बिकम इन इफेक्टिव, हमें तकलीफ ये है कि हायर एजुकेशन हैज बिकम इनइफेक्टिव इन पाकिस्तान ड्यू टू दीज इल्स बाय द मुनीर, यस बिकॉज सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ आवर सोसाइटी कनेक्ट विद दिस। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हायर एजुकेशन हैज बिकम इनइफेक्टिव, इन इल्स की वजह से हायर एजुकेशन इनइफेक्टिव हो गई है, और इसलिए उसकी रेमेडीज निकालनी जरूरी है।
ये ओवरव्यू पैराग्राफ है जो कि सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का। ओके, इंपेडिमेंट्स और इसकी प्रॉब्लम जो है। ओके, नंबर थ्री। तो ये हमारी हेडिंग्स अब चल रही हैं, ये हम यहाँ पे भी हेडिंग आएगी। क्या हेडिंग निकाली थी हमने कि सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये वाली हम अब उठा के ले जाते हैं आउटलाइन में। अच्छा जी, अब देखने वाली चीज ये है कि दिस इज हेडिंग नंबर थ्री। हेडिंग नंबर थ्री क्या है? सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। अभी आउटलाइन बन रही है आपके सामने। देन सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, हेडिंग नंबर फोर क्या है? इल्स इंपीडिंग हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। एंड देन वी हैव हेडिंग नंबर फाइव विच इज इम्पैक्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। और इसके बाद हमारे पास आ गया हाउ टू रिजॉल्व द इल्स टू इंप्रूव हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। ले जनाब, ये है आपकी आउटलाइन के हेड्स। और इल्स के बाद यहां पे हमारे पास आ जाएंगी कंक्लूजन। और हमने सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान को किया था, ब्रेनस्टॉर्म किया था। और यहां पे अब हमने 7 पॉइंट्स लेने हैं। फैसल हयात ओवरव्यू पैराग्राफ सेपरेटली पढ़ने, हमने वो ऐसे एक सेंटेंस में उन्होंने आने चीज नहीं, उसके लिए 1 घंटा चाहिए, वो मैंने अलग पढ़ाना है आपको। ओके, अब हमने वो जो 7 पॉइंट्स उठाने थे, अब वो स्टेप आने लगा है। अब मैं क्या करूंगा, आपने जो सिलेक्ट किए हैं और हम सारे लोग किसी 7 स्टेप्स के ऊपर एग्री नहीं थे कर सके, इज इट सो? डिड वी ऑल एग्री ऑन? वी डिड नॉट एग्री ऑन ऑन। सो अब आप अपने अपने पॉइंट्स लेंगे, मैं क्या करने लगा हूं, मैं एट रैंडम यहां से 1 2 3 4 5 6 उठा रहा हूं एट रैंडम, क्योंकि हमने ऐसे तो नहीं लिखनी ना इस पेज के ऊपर, हमने तो सिर्फ आउटलाइन लिखनी है। तो मैं आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए कि हम किस तरीके से ये वाले पॉइंट्स जो हैं, ये आप तो उसको बड़े ध्यान से उसको सिलेक्ट करके करेंगे ना। मैं इस वक्त आपको मेथड सिखा रहा हूं, इसलिए पॉइंट जो है वो कोई भी मैंने ले लिए। तो ये हमने 7 पॉइंट्स ले लिए, उसके बाद गलत जगह पे लगा दी है हमने। सिस्टम के नीचे नीचे आना, इसने आना था 4 के नीचे, या ये। और ये हमारे इल्स हैं, उसके बाद हमने 3 कहा था कि हम इंपैक्ट निकाल लेंगे, और ये हमारे पास इंपैक्ट्स हैं। मैं कोई सी 3 उठा रहा हूं विदाउट एनी डिलिबरेशन कि कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने, वो आप खुद करेंगे। जी अहमदुद्दीन, नेक्स्ट हेडिंग के अंदर कर दिए ना फिर, ठीक हो गया कि नहीं अभी? और इसी तरीके से आपने 6 के नीचे लगा लिया अपने जो पॉइंट्स हैं। कौन से? अब हम चले जाएंगे इल्स, और इल्स में फिर मैं 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने यहां पे लगा दिए। और ये ले जनाब, ये आपकी आउटलाइन जो है वो बन गई है, ये देखो।
ख्याल है, मेथड की समझ आई? आउटलाइन कैसे बनती है? ये आपकी आउटलाइन आपके सामने बनाई गई है, ये अभी रफ है, इसके ऊपर एक स्टेप अभी करना रहता है। इम्पैक्ट तो पूछे ही नहीं, फिर क्यों लिखे लिख रहे हैं? ठीक है ना, लिखो मोहम्मद अली, ना लिखो बेटा, पिछली क्लास में नहीं थे ना तुम मोहम्मद अली? नहीं थे ना, इसलिए। क्यों भाई क्लास, आप लोग जवाब दे सकते हैं इस चीज का कि जब उन्होंने पूछे नहीं है तो फिर हम क्यों दे रहे हैं? कैन एनी बॉडी गाइड अस, बोले प्लीज। इल्ड्स हैं तो इम्पैक्ट्स भी तो होंगे ना सर जी। और नहीं, मेरा नहीं मसला यार, ये उसको बताओ। और अच्छा बोलो ना, कितनी देर में लोग जवाब लिख भी गए। समीना सिकंदर ने कहा है कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए, साइमन सिकंदर। मोहम्मद अली, इनको पढ़ना भी है, ये कॉजेस तुम्हारे लिए लिख रहे हैं बेटा। ओके, स्टूडेंट्स आउटलाइन लिखने का मेथड समझ आई? आपको टॉपिक दें तो अब आप आउटलाइन लिख सकते हैं ना। टॉपिक सेगमेंटेशन सबसे पहले कि इसकी हेडिंग्स क्या होंगी, कुमार यासर तुम्हारा कैमरा ऑन है यार, बड़ी देर से। हाँ सबसे पहले तरीका देख लें अपना, मेथड हमारे पास क्या है इसके लिए। वालेकुम सलाम। कितना महीने का नंबर क्लियर है? जवाब काटना है हमारा, जवाब तो ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि बहुत से लोगों को नहीं आता, इसलिए इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो करना है। कैपिटल मींस हाइलाइटेड वन, आउटलाइन में पैरा नहीं होता, वो ऐसे में होता है। ओके, ये आउटलाइन ही लिखनी, जिस मतलब जिसका पैराग्राफ राइटिंग नहीं होगी, जिस आउटलाइन हो वो तेरा बेड़ा तर्जे। फायदा मुनीर, ये किस तरह का सवाल है? और भाई ये जितने ABCD है ना, सब हेडिंग, ये सब पैराग्राफ्स, इन पे पैराग्राफ्स लिखने हैं।
तुमने बड़ा बेसिक किस्म का। अच्छा, तो ओके सर, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, ये जस्ट भी आउटलाइन है, क्लियर नाउ, सॉरी, नो प्रॉब्लम। सर, थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन का पैरा के एंड पे लिखनी है या सेपरेटली? सर, जब थीसिस स्टेटमेंट पे पहुंचेंगे तो हम थीसिस स्टेटमेंट का मसला भी हल कर लेंगे। सर, ये सारे गिवन पॉइंट थीसिस स्टेटमेंट में ऐड होंगे और नई रबेल 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 सर, ये हेडिंग्स लॉन्ग फ्रेजेस भी हो सकती हैं। इतने में मतलब इसके लिए अब मैं आपको दूंगा अपना एक वीडियो, जो ये वर्डिंग शेडिंग जो सारी डिटेल जो है ना, कि इतना क्या लिखना है, उतना क्या लिखना है, ये सारा कुछ उस वीडियो में से मिलेगा जी। नंबर 3 में हम बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, जाहिर है आपका टॉपिक है हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो फिर उसको भी तो एक्सप्लेन करना है, हायर एजुकेशन क्या होता है। सर, कुछ इंटरव्यू में कहा जाता है कि एसे के अंदर हेडिंग लिखनी थी, क्या वाकई ये सच है? वो सारे फेल होते हैं, और जो कहते हैं ना कि इंटरव्यू में कि मैंने हेडिंग लिखी थी, वो झूठ बोल रहा है, वो आपको गुमराह करने के लिए, फेल करने के लिए कर रहा है। मुझसे लिखवा के दे दें आप, जानबूझ के फेल करवाते हैं लोगों को। आपका क्या ख्याल है कि सारे लोग बड़े मुखलिस बैठे हुए हैं इंटरनेट के ऊपर? जो नहीं लिखते आउटलाइन में इंट्रो, मुझे दूसरों की मिसालें क्यों दे रहे हैं आप? साउदी, मैंने एक सीधी चीज आपको पढ़ा दी है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, फलाने ने ये नहीं किया, ये क्या चक्कर चला रहे हैं मेरे साथ? आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, जो बंदा इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देता आउटलाइन के अंदर, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो क्या, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं फिर हम? ये भी ना करें सारा कुछ ना, तो एलोकेटेड नहीं झूठ बोलेंगे तो और कौन बोलेंगे? शायद तुम्हारा क्या ख्याल है, पाकिस्तान में तो आदत है बंदा एक जो कर लेता है दूसरा कहता है दूसरा ना को कर सके, बातें करने वाली मुझे एक ऐसी एसपीएससी के अंदर चलो मेरे साथ, चलो मैं चैलेंज करके कहता हूँ, एक ऐसी ऐसे दिखा दें जो हेडिंग्स के साथ लिखी और पास हुई हो। मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने, जब जाके फिर उनसे सीखो, यहां करने क्या करने बैठे हुए, सीखना मुझसे है और उनकी बातें मुझे सुनानी है आपने। नहीं भाई, डोंट नो बेटर मरियम हुसैन भाई, हम तो टीचर हैं, वो एलोकेटेड है जनाब, उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, यूट्यूब पे चल रहा है, वो क्यों लोग बोलेंगे? जाए जाके उनको 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 सलाम करें जाके। मैंने आपको पहले भी सुनाया था कि यहाँ पे पिछले 2017-18 के जो टॉपर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जनाब मैंने तो 1600 वर्ड्स लिखे थे ऐसे में और टॉप कर गया ऐसे, अजीब मुसीबत। उसके बाद मैं जिस बंदे को कहता हूँ 2500 वर्ड, होली फ्राम बंदे ने, उसने तो 1600 लिखे, पास हो गए। फिर मैंने उसको पकड़ा उसके अंदर एकेडमी के अंदर, मेरी वहां पे लेक्चर होते हैं, 2019 में ट्रेनिंग में जब ये लोग आए हुए थे वहां, मैंने फिर पूरी क्लास के अंदर पकड़ा उसको। मैं कह यार दिस इज योर स्टेटमेंट, इज दिस योर स्टेटमेंट? यस सर। मैं कह क्यों पूरी कौम को गुमराह कर रहे हो? हाँ चलो मेरे साथ चल के ऐसे निकालो, मैं तुम्हें अभी साबित करता हूँ कि 1600 नहीं तुमने वर्ड्स लिखे हुए। नहीं सर, आप एलिगेशन, मैं कहता तुम एलिगेशन लगा रहे हो, तुमने पूरी कॉल को गुमराह किया हुआ। और सारे स्टूडेंट्स में मुझसे लाख स्टूडेंट जो है वो सारे कहते हैं नहीं सर वो पुराने 1600 लिखे थे, तो हमने भी इतने लिखने, लिखो जाओ मारो टक्कर दीवार को।
आप इंटरव्यू सुनिए, आप मेरी क्लास अटेंड करने क्यों आ गए हैं? तुम्हारा टाइम जाया होगा इस क्लास में, जाकर के इंटरव्यू सुनो। मैं एक चीज लिख के दे रहा हूं, मैं मेथड सिखा रहा हूं। नहीं सर, वो इंट्रोडक्शन, ये लो बात सुनो मेरी। तुम ऐसा करो, ये कुछ भी ना लिखो, ये गोली मारो, यहां से शुरू करो, इस तरीके से लिखो। जाके जाओ, जाओ मैं बुलाता हूं तुम्हें, जाओ जाके इस तरह लिखो। वो क्यों झूठ बोलेंगे? मैं जवाब दूं कि वो क्यों झूठ बोलेंगे? अब मेरे साथ आर्ग्यू करेंगे आप इस चीज के ऊपर? ये कोई ना कोई तमाशा ना हर क्लास में ना बैठा होता है, जिसका कारण ये है कि जो उस्ताद ने पढ़ाया है वो बेकार है, और जो माशाल्लाह सीएसपी ने कह दिया है वो हदीस है, उसके ऊपर मोर लगा के गले में लटका दो, तभी से लटका दो अपने गले में। चलो, क्या फायदा है ऐसे लोगों को मेथड सिखाने की? यार मुझसे ना सवाल पूछे, जाए जाके इंटरव्यू वो देखे, इंटरव्यू देखे, उसमें सब कुछ लिख दिया हो। नहीं जी, मैं इग्नोर नहीं कर सकता, वो भी इसी क्लास का स्टूडेंट है, कल को जाके उसने रिपोर्ट लगानी है कि सर ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसे लोग ये करते हैं ना, अभी देखे ना जाके ग्रुप में क्या क्या लगाएगा ये, और फिर इन्हीं की सुनी जाती है। सबसे बड़ा मसला ये है, ये कोई नहीं देखेगा कि उसने बात क्या की है उसने। It has been seen that there are several myths about what the examiner thinks or does not think about the complaint. अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये examiner जो है वो सिर्फ और सिर्फ outline ही पढ़ते हैं और introduction देखते हैं और उसके बाद conclusion वगैरह और बाकी ऐसे जो इस essay paper one. First of all, I would like to mention. ये आउटलाइन की जो डिटेल्स होती है ना छोटी मोटी, कि कैसे लिखनी है, क्या लिखना है, कितने वर्ड्स होने चाहिए, ये सारा कुछ इसके ऊपर मैंने करके जो है वो वीडियो बना दिया हुआ है। ये मैंने आपको लिंक भेज दिया है उस वीडियो का, क्योंकि यूट्यूब ज्यादा एक मोतबर जरिया है, तो यूट्यूब से देख लें, मेरा वीडियो देख लें अगर आपको टाइम मिल जाए थोड़ा सा। तो अरुज, आप तो मेरे साथ आर्गुमेंटेटिव की बात नहीं करनी, मैं अभी एक्सपोजिटरी पढ़ा रहा हूं, तो बस एक्सपोजिटरी की बात करें। ये मैं लिंक आपके ग्रुप में भी भेज रहा हूं, हाउ टू राइट सीएसएस एसे आउटलाइन, वॉच दिस, और इससे आपको काफी सारी डिटेल्स जो है आउटलाइन से रिलेटेड वो मिल जाएंगी। फैसल हयात, ये जितने पॉइंट्स बनाए हैं आउटलाइन में, इन सब पे पैराग्राफ लाजमी लिखने हैं। अगर टाइम नहीं होता और कोई पॉइंट रह जाता है तो क्या करें, काइंडली एक्सप्लेन। कोई नहीं, मेरे पास शॉर्टकट कोई नहीं है, जितनी आउटलाइन लिखी है उतनी ऐसे लिखनी है, बाकी आपने जो मुकेशी करने के तरीके आप खुद करें, मुझसे ना पूछें। आउटलाइन लिखी किस लिए है अगर उसके पैराग्राफ नहीं लिखने टाइम टाइम होने पे? और दूसरी बात ये कि कल सुबह तो तुम्हारा एग्जामिनेशन है, तो प्रैक्टिस का तो टाइम नहीं है। ये सवाल वो लोग पूछते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करनी। सर एग्जाम में कैसे करेंगे, 3 घंटे तो हमने आउटलाइन में लगा दिए हैं। भाई प्रैक्टिस करें और ऐसे पूरी लिखनी सीखें। नहीं, मैं लेक्चर मैं चैट ऑफ नहीं करूंगा। मैं ऐसे ग्रुप्स को जानता हूं
व्हाट्सएप के ग्रुप जिन्होंने बनाए हुए हैं, ऐसे लोगों, चार लोग ऐसे जानता हूं जो 3 दफा फेल हो चुके हैं सीएसएस में, और अब वो चला रहे हैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स और वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, सीएसएस पॉइंट, फलाना पॉइंट, फलाना फोरम, फलाना फोरम, सारे फेलियर भरे हुए हैं। किताबें छापते हैं जिसके अंदर, मैगजीन्स छापते हैं जिसके अंदर ऐसे के अंदर हेडिंग दी हुई है। आई नो दीज पीपल, ये हमारे सामने इन्होंने तीसरी तीसरी अटेम्प्ट दी है, सारी तरफ से फेल हो चुके हैं, और अब उनका बिजनेस है सीएसएस पब्लिशिंग, और हमारा स्टूडेंट इतना यकीन रखता है उसके अंदर, सर जी इंटरनेट पे आया, सर जी यूट्यूब के ऊपर कहा, उसने उसका वीडियो है सर जी, उसका चल रहा है, फिर मेरा भी वीडियो है, देखो फिर जाकर। और किसी टीचर को कह के देखो ना कि सर जी आपने जो पढ़ाया, अगर मैं इसको ना लिखूं इम्तिहान में तो क्या होगा, फिर देखो क्या जवाब देता है वो, ना तुम्हें उठा के क्लास से बाहर किया तुम। अच्छा जी, हम अपने जो स्टेप्स कर रहे थे, ऐसे स्टूडेंट्स की मंजिल भी फिर हमें पता है ना क्या है। आधा घंटा जाया कर दिया इसी चक्कर में सर। अच्छा जी, अब हमने जो ये जो मैंने कहा था ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, हम अपनी आउटलाइन लिखी, हम टॉपिक था हमारे पास ये माइंड मैपिंग, ये वो कंप्लीट हो गया ये वाला स्टेप भी। उसके बाद मैं कह रहा था कि ड्राफ्ट योर आउटलाइन, हमने अपनी आउटलाइन जो है वो इस वक्त हम वो बना रहे हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑन दिस, एंड दैट इज लॉजिकल सीक्वेंसिंग। लॉजिकल सीक्वेंसिंग, अब ये जरा एडवांस चीजें हैं आउटलाइन बनने के बाद। अप्लाई वन ऑफ द लॉजिकल सीक्वेंसिंग मॉडल्स टू अरेंज द सिलेक्टेड पॉइंट्स। पर्पस क्या है? टू क्रिएट कोहेरेंस इन द एसे। अब ये पॉइंट आपको, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। नोबडी एल्स टॉक्स अबाउट कोहेरेंस, नोबडी एल्स टॉक्स अबाउट लॉजिकल सीक्वेंसिंग। अभी मैं देख रहा था पिछले दिनों, मैं नवंबर में जब मैं बीमार था तो काफी सारे वीडियोस मैंने देखे जो आज से साल डेढ़ दो पहले नहीं होते थे। अब वो जो हमसे, हमारे शागिर्द जो हैं, उन्होंने ये वर्ड यूज करने शुरू कर दिए हैं लॉजिकल सीक्वेंसिंग, लेकिन वो उस किसी और तरीके से यूज करते हैं। जाहिर है डायरेक्टली अगर वो जीपीएस बोलेंगे तो जीपीएस मेरा वर्ड है, मैं तो केस करूंगा ना उनके ऊपर कि जनाब ये आप कहाँ से बोलना शुरू हो गया, दिस इज माई टर्मिनोलॉजी, ये FIRE 10 इंडिकेटर्स, ये प्योरली मेरे जाती, मेरे मेरे अपनी क्रिएशन होगी। लॉजिकल सीक्वेंसिंग भी अब वीडियोस के अंदर नजर आना शुरू हो गया है, लेकिन कुछ और उसके चक्कर में, कुछ और आगे पीछे जो है वो पढ़ा रहे हैं उसके चक्कर में। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टीचिंग नाउ हु हैव मेड वीडियोस, जो लेक्चर्स दे रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन चूंकि हमारे पाकिस्तान में
माशाल्लाह आदत है कि हमने ये कभी नहीं बताना कि हमने किससे सीखा हुआ है। हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं जब पैदा हुआ था ना जिस दिन 21 मई को, तो 22 मई से मैंने ये ऐसे पढ़ानी शुरू कर दी। ना मेरा कोई उस्ताद है, ना मैंने किसी से पढ़ा था, ना मैंने किसी स्टूडेंट से सीखा था, और तीसरे दिन मैं आप जनाब क्लास में खड़े होकर जब मैं पैदा हुआ था तो कुरैशी में उस्ताद हूं। और बचपन से मैं ऐसे राइटिंग सीएसएस की सिखा रहा हूं लोगों को, बचपन से। और मुझे ने पता कैसे सीखा है, मुझे ख्वाब में मैंने सीखा था ये सारा कुछ। नहीं, सब्सक्राइबर नहीं चाहिए मुझे, मैंने सब्सक्राइबर अब्दुल प्राचा, मेरा कोई कमर्शियल नहीं है। जरा मैं ये भी क्लियर कर दूं, मेरा चैनल कमर्शियल नहीं है। आप जब देखते हैं तो उसके अंदर कोई कमर्शियल आता है, कोई इश्तिहार आता है कोई? ये काफी सारे स्टूडेंट्स का ख्याल है कि सर अपने यूट्यूब के चैनल से भी कमाई कर रहे हैं। आई एम नॉट दैट चीप। मेरा जब आप वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर कोई इश्तिहार आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है? नहीं आता ना। तो दैट मीन्स आई डोंट गेट एनी मनी फ्रॉम दैट। ओके, काफी सारे लोगों का ये भी ख्याल है बीच में से स्टूडेंट्स का कि सर अपना चैनल चला रहे हैं, अपना पैसा पैसा कमाई कर रहे हैं। जो कमर्शियल होते हैं ना, पैसा जिससे मिलता है, उसके अंदर इश्तिहार होते हैं। किस बहस में पढ़ गए यार, मैं पढ़ाना मैंने क्या है इन लोगों को, इतनी हाईली एडवांस चीज पढ़ाने लगा और यहां देखो क्या बहसें चल रही। लॉजिकल सिक्वेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी एसेज के अंदर। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है लैक ऑफ कोहरेंस। कोहरेंस से मुराद ये होती है कि आपकी एसे के अंदर रब्त होना चाहिए, उसके अंदर एक सीक्वेंस होना चाहिए आइडियाज का। यानी एक स्टोरी की तरह एसे जो है वो चले, जिस तरह स्टोरी के अंदर हर वाक्या हर बात आगे पीछे तरतीब के साथ होती है, उस तरह से ऐसे जो है वो चलनी चाहिए। अब वो जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जब ऐसे जब लिखते हैं, आउटलाइन जब बनाते हैं, तो उस वक्त स्टूडेंट्स को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता कि जब हम पैराग्राफ ऐसे लिखेंगे, ऐसे जो है वो चल रही होती है जब लिखते हैं, उसका कोई पैराग्राफ किसी साइड पे जा रहा है, कभी वो आगे जा रहे हैं गवर्नेंस में, कभी नीचे जा रहे हैं सोसाइटी में, कभी वो जा रहे हैं गवर्नमेंट्स में इकोनॉमी में, कभी जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट्स लिख रहे हैं। अजीब अजीब किस्म का, गवर्नमेंट्स के बाद सोशल पॉइंट आ जाते हैं, उसके बाद टेक्निकल आ जाते हैं, और टेक्निकल के बाद इकोनॉमी आ जाती है, फिर गवर्नमेंट्स आ जाते हैं, फिर सोशल आ जाते हैं। अजीब वो पूरी ऐसे जो है वो मौजूदा बनी होती है। अब उसके ऊपर हम लिखते हैं एक छोटा सा वर्ड इनकोहरेंट, और ऐसे चली जाती है 38 मार्क्स पे। जितना मर्जी है उसने, चाहे 70 नंबर लेने थे, 80 नंबर लेने थे, वो चली जाती है 38-39 मार्क्स। पहले दिन आपको सिखाया था उस वीडियो के जरिए मार्किंग में कि कोहरेंस जो है वो एक लाजमी हिस्सा है, यू हैव टू स्कोर इन दिस। अगर आप स्कोर नहीं करते इसमें तो ऐसे पास नहीं हो सकती। अब कोहरेंस आएगी कैसे? मैं बहुत साल देखता रहा एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स को फेल होते हुए, इस चीज की बड़ी तकलीफ होनी। अच्छी लिखी हुई ऐसे, रेफरेंसेस भी हैं, लैंग्वेज भी अच्छी है, मीनिंग भी है, स्ट्रक्चर भी है, लेकिन कोहरेंस कोई नहीं है। आगे पीछे स्टोरी जो है वो चल रही है और अजीबोगरीब किस्म का जो है वो झटके लग रहे हैं ऐसे पढ़ते हुए भी, कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है। और अगर स्टूडेंट को समझाया जाए कि कोहरेंस ऐसे के अंदर पैदा करनी होती है, तो कोहरेंस एक एडवांस चीज है, स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती लिखते वक्त, उस वक्त अंडर प्रेशर वो ये चीजें नहीं कर सकते। इसके लिए फिर मैंने एक मेथड क्रिएट किया, और वो मेथड ये जीपेस्ट मेथड है। तीन सीक्वेंस है, लॉजिकल सीक्वेंसिंग मॉडल्स हैं, एक जीपेस्ट है, दूसरा 10 इंडिकेटर्स है, तीसरा FIRE है। FIRE मेथड जो है ये एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में इस्तेमाल होता है, ये जब हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो उस वक्त यूज करेंगे। 10 इंडिकेटर्स और जीपीएस जो है ये एक्सपोजिटरी और आर्गुमेंटेटिव दोनों में यूज होते हैं।
आज मैं आपको जीपीएस जो है बेसिकली ये पढ़ाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये एक ऐसा मेथड क्रिएट कर दिया है जिसके साथ जब आप ऐसे लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कोहरेंस आ जाती है, उसके अंदर सीक्वेंस आ जाता है, उसके अंदर तरतीब आ जाती है। बड़ा सिंपल सा मेथड है, एक दफा इसको समझ लें तो आइंदा हमेशा के लिए आपकी ऐसे जो है वो सीधी हो जाएगी, कम अज कम इनकोहरेंट होने का उसके ऊपर इल्जाम जो है वो नहीं लगेगा। लॉजिकल सीक्वेंसिंग मॉडल, लॉजिकल सीक्वेंसिंग मॉडल का मकसद क्या है कि जब आप आउटलाइन बना लेते हैं तो उस आउटलाइन को तरतीब देना ताकि आपकी ऐसे के अंदर कोहरेंस पैदा हो सके। इस वक्त दो जो हम मॉडल जो पढ़ेंगे दैट इज जी पेस्ट, दिस इज GPEST। ये वही टेस्ट मॉडल है जो आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए थे, PEST, पॉलिटिक्स इकोनॉमी सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, या पेस्टेल आपने पढ़ा हुआ है, पॉलिटिक्स इकोनॉमी सोसाइटी टेक्नोलॉजी, ई फॉर एनवायरनमेंट, एल फॉर लीगल। तो ये वही चीज है, सिर्फ इसके साथ मैंने जी का यहाँ पे इजाफा किया है। और उसकी एक रीजन है कि पेस्ट मॉडल जो बनाया गया, जिसने भी बनाया था पेस्ट मॉडल, बेसिकली जो वेस्ट में जो मॉडल्स हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए तो ठीक है जिसमें पॉलिटिक्स जो है वो सुप्रीम है और पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो गवर्नेंस आती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स को भी इट बॉगल्स देम आल्सो कि यहाँ पे थोड़ी सी जरा सिचुएशन डिफरेंट है। और आमतौर पर जब पोलिटिकल एनालिस्ट को जो कम मतलब नॉलेज रखने वाले पाकिस्तान के बारे में इस पॉइंट को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, लेकिन दोज हु गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दे कैन इजीली फाइंड आउट दैट हियर गवर्नेंस ओवरराइड्स पॉलिटिक्स। ये बड़ा अजीब फैक्ट है पाकिस्तान के बारे में। बेसिकली पॉलिटिक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी दुनिया में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में, बट इन पाकिस्तान जी इज मोर इंपॉर्टेंट देन पी। इसकी मैं आगे चल के आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जी से मुराद है गवर्नेंस। जब हम गवर्नेंस कहते हैं तो जरा ख्याल रखिएगा कि ये गवर्नेंस है, मैं गवर्नमेंट नहीं कह रहा, ये गवर्नेंस है, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नेंस और चीज होती है, गवर्नमेंट और चीज है। गवर्नेंस जो है वो लाजमी नहीं कि सिर्फ कंट्री तक ही महदूद हो, गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशंस में भी होती है, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं वो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो गवर्नेंस है। गवर्नेंस मींस दोज हु आर हु मेक द पॉलिसीज। टू कीप थिंग्स सिंपल, इसको गवर्नेंस वैसे तो एक ब्रॉड टॉपिक है लेकिन इसको सिंपल रखने के लिए मैंने इसका जो सादा तरीका रखा हुआ वो ये है कि गवर्नेंस कुड मीन गवर्नमेंट पॉलिसी। हम यहां पे इसको गवर्नेंस पॉलिसी, यानी गवर्नेंस हम इसलिए कह रहे हैं कि लाजमी नहीं कि हमेशा हमारा ऐसा टॉपिक हो जिसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी का ही जिक्र हो रहा है। मसलन यहां हम जिक्र कर रहे हैं हायर एजुकेशन का, तो हायर एजुकेशन की गवर्नेंस है ना वो जो हायर एजुकेशन कमीशन है, या यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी गवर्नेंस होती है, उसकी अपनी गवर्निंग बॉडी होती है। तो पॉलिसी कौन देता है? सिंपल वर्ड्स में जो भी चीज पॉलिसी से रिलेटेड है वो गवर्नेंस है। गवर्नेंस पॉलिसी, पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, और ये सारी चीजें गवर्नेंस की जो है
इस जुमरे में आती है, पॉलिसी, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी डिजाइनिंग, ऑल दीज थिंग्स। आइडियली गवर्नेंस शुड बी सबसर्वियंट टू पॉलिटिक्स। जैसे मैंने पहले कहा है कि गवर्नेंस किसी भी मुल्क में पॉलिटिक्स के अंडर होती है और पॉलिटिशियंस बेसिकली डिसाइड करते हैं कि गवर्नेंस का मॉडल क्या होगा, इसके अंदर किस तरीके से हमने रूल करना है, किस तरीके से गवर्नमेंट चलानी है, उसकी पॉलिसी क्या है, ये पॉलिटिशियंस करते हैं बेसिकली। पाकिस्तान में भी इसी तरीके से था, आप पाकिस्तान देख लें, जीरो आवर 14th August 1947 जब ये मुल्क बना है तो इसकी गवर्नेंस किसने दी हमें? पॉलिटिशियंस ने, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो और जो बाकी उनके साथ लियाकत अली खान और सोहरावर्दी और सुभानी जो बाकी लोग थे, उन लोगों ने गवर्नेंस का मॉडल जो था वो कंट्री को दिया। सो शुरू में ये ठीक था, गवर्नेंस जो थी वो पॉलिटिक्स के अंदर थी और पॉलिटिशियंस डिसाइड करते थे कि किस तरीके से गवर्नेंस मुल्क के अंदर चलेगी। लेकिन इस मुल्क में प्रॉब्लम ये हुई है, बट इन पाकिस्तान फॉर 34 इयर्स आउट ऑफ 73 इयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस देयर हैज बीन गवर्नेंस बट नो पॉलिटिक्स। समझ आती है इस चीज की कि इस कंट्री के अंदर हमारे पास 34 इयर्स ऐसे हैं और ये 34 इयर्स कौन से हैं? मार्शल लॉ के। आउट ऑफ 73 इयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस देयर हैज बीन गवर्नेंस बट नो पॉलिटिक्स। अब हुआ क्या इस सिचुएशन में? 34 इयर्स मार्शल लॉ, अब जब मार्शल लॉ होता है तो गवर्नेंस तो होती है, पॉलिटिक्स नहीं होती, जिसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिक्स इस मुल्क में कमजोर रह गई और 34 इयर्स इस कंट्री में, यानी गवर्नेंस जो है उसकी उम्र 73 इयर्स है लेकिन हमारी पॉलिटिक्स की क्या एज है? 39 इयर्स ओनली। और वो 39 इयर्स भी इकट्ठे नहीं, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी पहला मार्शल लॉ 1957-58 से लेके 1970-71 तक 12-13 साल, उसके बाद फिर हमें थोड़ी सी जमहूरियत दी गई 71 से 77 तक भुट्टो की शक्ल में, उसके बाद फिर मार्शल लॉ आ गया 77 से लेके 1988 तक 11 साल, कितनी 7 साल की जमहूरियत मिली हमें, 6 साल की, उसके बाद 1988 से लेके 99 सिर्फ 11 साल की जमहूरियत मिली और उस जमहूरियत के दौरान भी हमारी 4 गवर्नमेंट चेंज हुई और फिर आर्मी आ गई। अब ये पहली दफा है 13-14 साल हो गए कि जो पॉलिटिक्स है वो चल रही है और गवर्नेंस और उसको मिलिट्री ने इंटरप्ट नहीं किया था। तो ये एक बड़ा बेसिक फैक्ट है, उसकी वजह से क्या हुआ कि इस मुल्क में हेंस गवर्नेंस हैज ग्रोन स्ट्रॉन्गर देन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के ये छोटे छोटे पीसेस जो थे, बैचेस जो हैं, 7 साल के, 11 साल का, 12 साल का, 6 साल का, उसकी वजह से पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में बहुत वीक हो गया। अब जब पॉलिटिक्स नहीं होती कंट्री के अंदर, जब मार्शल लॉ होता है तो ये नहीं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज दब जाती है, नहीं, सिरे से खत्म कर दी जाती है कंप्लीटली। उस वजह से हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो भी इमेच्योर है, हमारी जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल एटीट्यूड है हमारा, वो भी इमेच्योर है और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स ये सारी चीजें अजीब और गरीब अपनी शक्ल में जो है वो पाई जाती है। ना ये एक्चुअल डेमोक्रेसी है, ना ये ऑटोक्रेसी है, ना ये डिक्टेटरशिप है और ना ही इसके अंदर डेमोक्रेटिक कोई वैल्यूज जो है नजर आती है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो वो भी डिक्टेटोरियल अंदाज से चल रही है। दैट इज वाई पाकिस्तान में गवर्नेंस को, जबकि दूसरी तरफ इस मुल्क कौन चला रहा है? 73 ईयर्स हो गए, 74 ईयर्स कौन चला रहा है? एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, ये कंसिस्टेंट वैल्यूज हैं पाकिस्तान में, ये हमारी परमानेंट वैल्यूज हैं। हेंस नाउ दे हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि एस्टेब्लिशमेंट हमें नजर आती है पॉलिटिशियंस को डिक्टेट कराते हुए। साफ सबको पता है, अब आपको छुपी हुई बात तो नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे, जो पॉलिटिक्स है इस वक्त मुल्क में, वो पूरी तरह से सबसर्वियंट है और उसको बकायदा डिक्टेट करवाया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट
अपनी अप्रूवल देगी तो पॉलिटिक्स की कोई चीज चलेगी, अदरवाइज वो नहीं चल सकती। तो ये पॉइंट इसलिए अब हम जब अपनी लॉजिकल सीक्वेंसिंग करते हैं अपनी एसे की, अपनी आउटलाइन की, तो उसके अंदर हम गवर्नेंस के पॉइंट्स को सबसे ऊपर रखते हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आप सब जानते हैं क्या चीज है। पॉलिटिक्स मीन्स द डिविजन ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कुछ लोग किसी चीज का नारा लगाते हैं, कुछ जो किसी और चीज का लगाते हैं। सबको राइट है अपनी अपनी बात करने का, और सोसाइटी डिसाइड करती है कि हमने अपने आप को अपनी हुकूमत कैसे करनी है। पॉलिटिक्स क्या चीज है? द वे सोसाइटी डिसाइड्स टू गवर्न इटसेल्फ। और पॉलिटिक्स को एक चीज नहीं है, इट इज अ सम ऑफ मेनी पार्ट्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पार्ट्स। एंड फॉर एग्जाम्पल, आपकी जितनी भी द पॉलिटिक्स बुक, जितनी भी डेफिनेशंस मिलती हैं आपको पॉलिटिक्स की, वो पॉलिटिक्स की मिलती हैं, गवर्नेंस की नहीं मिलती। पॉलिटिक्स बहुत वसी चीज है, और आपको जितनी आइडियोलॉजीज हैं और जितनी भी आपके पास इजम्स हैं, ये सब पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, गवर्नेंस के अंदर नहीं आते। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि पॉलिटिक्स ही अपनी इन्फेंसी में है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल थियोरीज जो हैं वो भी बड़ी सिंपल सी हैं, और हम पॉलिटिक्स में अभी तक एडवांस कर ही नहीं सके, आगे जा ही नहीं सके। पॉलिटिक्स एक बहुत ब्रॉड एरिया है, हर चीज मुल्क की इसके अंदर आती है। कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्टोरल, सिविलियन, मिलिट्री इंटरेस्ट्स, इंटरेक्शन, डेमोक्रेसी, गोल्स, कैपिटलिज्म, सेक्युलर, डिसीजन मेकिंग, फ्यूडलिज्म, करप्शन, एवरीथिंग, मेथड्स, हाउ टू कंट्रोल अथॉरिटी, हर चीज जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर आती है। इतनी ब्रॉड, इतनी स्ट्रॉन्ग चीज होने के बावजूद पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो वीक है। ये बड़ा एक, इसकी वजह से मेरे कम अज कम एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान की जो ज्यादातर प्रॉब्लम हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं कि ये जो इक्वेशन होती है कि गवर्नेंस कम्स अंडर पॉलिटिक्स, ये इक्वेशन उलट गई है पाकिस्तान में, और इस उल्टा होने की वजह से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। अदरवाइज पॉलिटिक्स के अपने अंदर सिस्टम्स मौजूद होते हैं, चेक एंड बैलेंस के, करेक्शन के, अकाउंटेबिलिटी के, जिससे चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स वीक है, एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग है, गवर्नेंस ऊपर है, पॉलिटिक्स नीचे है, हेंस वी आर हैविंग ऑल दीस प्रॉब्लम्स। सर, हमारा इस वक्त एरिया उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना नहीं है, और ऐसे में हम कभी ये करेंगे भी नहीं, हमारा वो फील्ड ही नहीं है। हमें सिर्फ इस चीज की फिक्र है कि पाकिस्तान में जब ऐसे लिखी जाए टू पुट, तो उसके अंदर यू शुड बी एबल टू पुट द थिंग्स राइटली, यू शुड बी एबल टू अरेंज द पॉइंट्स इन सच अ वे द वे दे एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। सो governance influences politics in Pakistan and politics influences economy. Economy, you all know, is not a very complex idea, and sirf governance hi explain karni padti hai, governance aur politics ka aapas mein relationship jo hai Pakistan mein, and then the economy. Politics influences economy. Aapne dekha 2018 mein ki कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, दे डिड नॉट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, द बैंकिंग सिस्टम, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एवरीथिंग वाज द सेम। बट जो ही पॉलिटिक्स चेंज हुई, पॉलिटिशियंस चेंज हुए, इकोनॉमी का पूरी आउटलुक जो थी वो चेंज हो गई, एवरीथिंग चेंज। सो पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमी। इकोनॉमी फिर जिस तरह की भी होगी वो फिर अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को। What is society? Society means all of us. We are all included in it. We are individuals. We are members of this society. Everyone is included in society, and we are all affected by economy. And society, फिर जिस तरह की होगी उसी तरीके से आगे technology या technical situation जो होगी पाकिस्तान के अंदर वो या मुल्क के अंदर वो फिर influence। अब ये टेक्नोलॉजी का पॉइंट जो है वो बाज लोगों को अजीब लगता है कि सोसाइटी के अंदर टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है। वो ऐसे है
कि टेक्नोलॉजी सिर्फ उन्हीं सोसाइटीज में आगे चलती है या नहीं चलती जो खुद टेक्नोलॉजिकल नहीं है। मैं उसकी एक एग्जांपल जब दिया करता हूँ तो स्टूडेंट्स बाज़ार शुरू में हैरान होते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी इज हाईली टेक्नोलॉजिकल, हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड सोसाइटी हैं। मैं कंट्री नहीं कह रहा, नेशन नहीं कह रहा, सोसाइटी कह रहा हूं। अब आप हैरान होंगे कि नहीं सर, टेक्नोलॉजी तो दूसरे मुल्कों में बहुत आगे है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुल्कों में, मुल्क को तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं नेशंस की बात कर रहा हूं। हमारी सोसाइटी टेक्नोलॉजी को बड़े आराम से, बड़ी तेजी से अडेप्ट करती है, अडॉप्ट करती है, एंड इट अडेप्ट्स इटसेल्फ द न्यू टेक्नोलॉजीज वेरी क्विकली। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ये जो स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, अब आप लोगों से पूछा जाए कि आपने स्मार्टफोन यूज करना किससे सीखा था, कौन से कॉलेज से, कौन से टेक्निकल इदारे से आपने इसका सर्टिफिकेट किया, महीने का कोर्स, दो हफ्ते का कोर्स मोबाइल फोन यूज करने का। मैं ये नहीं पूछ रहा कि इसको रिपेयर करने का, मैं ये पूछ रहा हूं कि स्मार्टफोन यूज करने का कोर्स आपने कहां से किया था या कहां से सीखा था। अब आप कहेंगे कि नहीं जी, हमने तो खुद सीख लिया था, खुद ही प्रैक्टिस कर करके हमने इसको कर दिया था, हमें तो किसी ने नहीं सिखाया। आई एग्री विद यू, बट एट द अदर हैंड, मैं फॉर एग्जाम्पल इन 2007, 8, 9, 10 आई वॉज इन अबू धाबी इन यूएई। 2008 के एंड पे, 2009 में स्मार्टफोन्स जो थे सबसे पहले टच स्क्रीन वाले, नोकिया का शुरू शुरू में जो थे वो फोन्स आने शुरू हुए, और उसके बाद फिर वो था ब्लैकबेरी था, और फिर उस जमाने में दूसरी जो कंपनी थी, अभी ये सैमसंग वगैरह और एप्पल वगैरह, एप्पल ने तो स्टार्ट किया था लेकिन अभी सैमसंग का इतना ज्यादा जो था वो रिवाज नहीं था। कैन यू इमेजिन कि हम लोग अल-खवारिज़्मी इंटरनेशनल कॉलेज में, जहां पे मैं हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट था और ट्रेनिंग मैनेजर था, वहां पे अरबों ने आना करना, एमिरेटीज ने, और उन्होंने कहना कि जी हमें ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, कंप्यूटर कोर्सेज तो हम कराते थे वहां पे जिसमें लोग लैपटॉप वगैरह यूज करना और कंप्यूटर को यूज करना सीखते थे, वो कहने लगे कि ये मोबाइल फोन जो आए हैं हमने खरीद लिए हैं लेकिन हमें यूज नहीं करने आ रहे, इन पे कोर्सेज करवाएं। और फिर हमने वहां पे 2 वीक्स का हाउ टू यूज अ स्मार्टफोन, और अलग अलग ब्लैकबेरी का अलग, नोकिया का अलग कोर्सेज स्टार्ट किए। कमाई का जरिया था ना, हमारे जो जो कॉलेज के जो सीईओ थे वो ही रिकग्नाइज दिस अपॉर्चुनिटी, पैलेस्टीनियन था वो, जॉर्डेनियन पैलेस्टीनियन, वो उसको ये अपॉर्चुनिटी नजर आ गई कि जी इसमें पैसा कमाया जा सकता है अबू धाबी में। और जब हमने वो कोर्सेज अनाउंस किए, आप यकीन नहीं कर सकते कि किस तरह से वो, इस कदर पैक्ड था वो कोर्सेज, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैचेस सिर्फ और सिर्फ आप स्मार्टफोन सिखा रहे हैं पब्लिक को, 2 हफ्ते का कोर्स है। हम अबू धाबी में थे, दुबई इज 168 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर, दुबई से लोग आते थे, अलायंस से लोग आते थे सिर्फ वो कोर्स करने के लिए, और फिर बड़े फख्र से दिखाते थे कि फेसबुक के ऊपर के जनाब देखें जी हमने ये सर्टिफिकेट है और अब मैं सर्टिफाइड नोकिया स्मार्टफोन यूजर बन गया। ये एग्जांपल आपको ये दिखाएगी कि सोसाइटी टेक्नोलॉजी क्या होती है। सेम वॉज इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, कतर, सऊदीया, ओमान, हर जगह पे मोबाइल फोन यूज करने के कोर्सेज सिखाए जा रहे थे। हमारी सोसाइटी ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। बाहर के लेबर देख लें, वहां पे जितने टेक्निकल ज्यादातर फील्ड्स हैं, मिडिल ईस्ट में आप देख लें जितना कंस्ट्रक्शन के अंदर टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वहां पे सारे पाकिस्तानी नजर आएंगे। लेबर में कम, ये सारे नजर आते हैं क्रेन्स के अंदर, डंपर्स के अंदर, और ये जो कॉम्प्लेक्स किस्म की मशीनरी है इसमें सारे पाकिस्तानी नजर आते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के वाइज काफी आगे है। खैर, यहाँ पे मेरा पॉइंट टेक्नोलॉजी का भी है और इसके साथ साथ टेक्निकल भी। टेक्निकल की जरा थोड़ी सी डेफिनेशन अपने पास लिख लें। टेक्निकल से मुराद होती है टॉपिक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, टॉपिक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। टॉपिक स्पेसिफिक से मुराद ये है कि
मसलन हम ये हमारा टॉपिक है इस वक्त हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बस ये मैं जीपीएस अप्लाई करके उसके बाद ब्रेक करूंगा 7:45। अच्छा, हम जो ये कर रहे हैं जीपीएस अप्लाई करेंगे अपनी आउटलाइन के ऊपर, तो जो पॉइंट्स सिलेबस से रिलेटेड हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो टेक्निकल हैं। यानी ऐसा कोई पॉइंट जो कि किसी टॉपिक इस तरह का है, हमारा अगर टॉपिक एजुकेशन का है तो एजुकेशन के अंदर सिलेबस और टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं। टेक्नोलॉजी तो है, वो जो लैब्स हैं या जो अकाउंटिंग सिस्टम है यूनिवर्सिटीज का, वो तो टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ तो टेक्निकल पॉइंट, क्योंकि हर ऐसे के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं होती। हर जो हमारा जो होते हैं टॉपिक्स जो होते हैं उसके अंदर लाजमी नहीं कि टेक्नोलॉजी का पॉइंट आए, लेकिन टेक्निकल जो है, जो उससे रिलेटेड होगा, उसको हम टेक्निकल कहेंगे। सो इन द एंड कोरिलेशन ऑफ जीपीएस, आपकी जो समझने वाली चीज है वो ये है कि गवर्नेंस इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमी, इकोनॉमी इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी, एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस टेक्नोलॉजी। ये सारा कॉज एंड इफेक्ट है ना, गवर्नेंस कॉज है और उसका इफेक्ट है पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिक्स कॉज है और उसका इफेक्ट है इकोनॉमी पे, इकोनॉमी कॉज है उसका इफेक्ट है सोसाइटी पे, सोसाइटी कॉज है तो उसका इफेक्ट है टेक्नोलॉजी पे। जब आप अपनी एसे की आउटलाइन को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट का सीक्वेंस आ जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली स्टोरी सीधी हो जाती है कि भाई पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ये एक बड़ा बेसिक फीचर है जो हमारे मुल्क में एसेज के अंदर से गायब है। अजीब बेहंगम किस्म की, कहीं सोसाइटी का पॉइंट आ रहा है, उसके बाद गवर्नेंस लगाई हुई है, फिर इकोनॉमी आ जाती है, फिर अजीब वरीब किस्म का। तो ये तरतीब देनी होती है आपने। अभी आपको थोड़ा सा जरा कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये क्या डिस्कशन स्टार्ट हो गई है दरमियान में, लेकिन जैसे जैसे हम आउटलाइंस लिखेंगे, यू विल फाइंड आउट जीपीएस टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स, जो ना सिर्फ ये कि आपकी लिखी हुई आउटलाइन के अंदर आपको हेल्प करता है कि तरतीब कैसे लगानी है, बल्कि ये आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर भी हेल्प करता है। कैसे? आप अपनी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं अप्लाइंग जीपीएस मॉडल, एट द ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेज ड्रॉ अ टेबल एंड कीप राइटिंग योर पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू जीपीएस इंडिकेटर्स। मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। और यू कुड स्प्लिट द टेबल इनटू कॉजेस, इफेक्ट्स एंड रेमेडीज। आपने अभी पूछा था कि सर हम अकेले होंगे तो अकेले तो हम इस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग ही ना कर सकते, तो हम कैसे इतने पॉइंट्स निकालेंगे? तो ये मैं आपको यहाँ पे मेथड जो है वो दे रहा हूं कि कोई भी आपके पास टॉपिक आया है तो उसकी कॉज में सबसे पहले सोचें कि गवर्नेंस का पॉइंट क्या है। यहाँ तरतीब से सोचना शुरू करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उसकी कॉजेस में पॉलिटिकल पॉइंट कौन सा है, इकोनॉमी वाला कौन सा है, या अगर आप इस तरीके से नहीं भी सोच रहे, जब आप कॉजेस सोच रहे हैं तो सोच के उसको फिर इसके अंदर अरेंज करके लिख लें। पहले टेक्नोलॉजी, शायद आपको कोई पॉइंट याद आए जो सोसाइटी से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड। इकोनॉमी का मतलब है कोई भी चीज जो फाइनेंसिस से रिलेटेड है वो इकोनॉमी है, कोई भी चीज जो लोगों से रिलेटेड है, पीपल से, वो सोसाइटी है। फिर पॉलिटिकल पॉइंट को चीज याद है, किसी भी तरह का पॉइंट आपके जहन में आता है उसको तरतीब से इसके अंदर फिट करते जाए। ऑटोमेटिकली आपके पास, अगर आपके पास पॉइंट नहीं आ रहा तो फिर सोचें कि भाई इस पॉइंट के ऊपर इफेक्ट, मसलन ये चीज हो गई है तो इसका इफेक्ट गवर्नेंस के ऊपर क्या पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर शॉर्टेज, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो वाटर क्राइसिस का इफेक्ट गवर्नेंस के ऊपर क्या होता है। गवर्नेंस के ऊपर इफेक्ट ये है कि पानी ना होने की वजह से लोग जो हैं, सूबे जो हैं, प्रोविंसेस आपस में दे विल फाइट फॉर देयर राइट्स, प्रोविंसेस की आपस में डिसहार्मनी आ जाएगी वाटर की वजह से, तो ये उसका इफेक्ट गवर्नेंस का आ गया, पॉलिटिक्स का आ गया। बल्कि गवर्नेंस के लिए मुश्किल है सूबों को बराबर पानी के डिस्ट्रीब्यूशन, ये गवर्नेंस है, पॉलिटिक्स का पॉइंट। उसके बाद इकोनॉमी का,
क्या इफेक्ट होता है वाटर क्राइसिस का इकोनॉमी के ऊपर? ये इफेक्ट है कि इंडस्ट्री को पानी नहीं मिलता, एग्रीकल्चर को पानी नहीं मिलता, सो इकोनॉमी जो है वो डाउन होगी। सोसाइटी इफेक्ट वाटर क्राइसिस का सोसाइटी के ऊपर क्या है? लोगों के ऊपर इफेक्ट ये है कि पानी नहीं होगा तो जाहिर है सोशल जो है वो प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, डिजीजेज आ जाएंगी और अनरेस्ट होगा पब्लिक के अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का। और फिर एक और सोशल पॉइंट आ जाता है कि जिन इलाकों में पानी नहीं है वो फिर मूव कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे वहां से किसी ऐसी तरफ जहां पे पानी उनको ज्यादा मिकदार में मौजूद मिलेगा। सो चनाचे ये जो टेबल है ये आपको हेल्प करेगा सोचने में। वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कर रहे थे, अगर आप उस तरीके से पॉइंट्स नहीं निकाल सकते तो फिर ये वाला टेबल जीपीएस जो है ये आपको हेल्प करता है पॉइंट्स निकालने में भी और आपकी जो गिवन आउटलाइन है उसके पॉइंट्स को अरेंज करने में। लेट मी नाउ अप्लाई दिस गवर्नेंस पॉलिटिक्स इकोनॉमी सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, इसको हम अप्लाई करेंगे अब अपनी आउटलाइन के ऊपर। बट आफ्टर द ब्रेक, सो इट इज ब्रेक टाइम नाउ, इट इज 7:45 to 8:05।